Hello everyone, welcome to the channel English with Tricks. And this video again हम comprehension ही continue करेंगे और कल से जो हमारी video होंगी वो syllabus के दूसरे parts पर होंगी. And if you want कि मैं कोई specific part पर video बनाऊँ, then please do comment and I'll make the video on that part of syllabus. So for now, let's start with the comprehension. Acquisitive nature has become a hallmark of people in modern time. Acquisitive nature वो nature होती है जब हम लोगों को चीज़ों का एक संग्रह करने लग जाते हैं. हम उसको खरीदते हैं no matter वो हमारे useful है या हमारे लिए useful नहीं है, but हम लोग उसे खरीदते हैं. तो वो एक hallmark बन गई है, मतलब कि वो एक trend बन गया है लोगों में कि वो उन चीज़ों को खरीदने लगे हैं. If neighbor possesses a kitchen gadget like mixer और grinder, अगर हमारे neighbor के पास कोई mixer या grinder है, we do have the desire to own the same. तो हमारे अंदर भी ये इच्छा होती है कि हमारे पास भी वो सेम मिक्सर या ग्राइंडर होना चाहिए. All efforts are gathered to make this purchase. और हम अपनी पूरी ताकत, पूरी efforts लगा देते हैं ताकि हम उस चीज़ को खरीद सकें. Whether the item is essential or not, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो आइटम है वो हमारे लिए ज़रूरी है या फिर नहीं. Shopkeepers vie with each other to sell these things. जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो आपस में कंपटीशन करते हैं इन चीज़ों को बेचने के लिए. इट इज़ एज इफ द होल वर्ल्ड इज कंस्पायर टू सेल द मिक्सचर और ग्राइंडर टू मी वेदर आई वॉन्ट इट और नॉट. और एक ऐसी फीलिंग आ रही है ऑथर को कि जैसे कि होल पूरे वर्ल्ड ने एक कॉन्स्पिरेसी करी है उसको मिक्सचर और ग्राइंडर बेचने के लिए, चाहे वो उसको लेना चाहे या फिर नहीं. ऑफकोर्स माई वाइफ वॉन्ट्स इट. और वो लास्ट में कहता है पर ऑफकोर्स मेरी जो वाइफ है उसको ये कहीं ना कहीं चाहिए. सो लेट सी द क्वेश्चन आंसर्स. इन द पैसेज एक्विजिटिव मीन्स, एक्विजिटिव का मतलब मैंने आपको बताया था किसी चीज़ का संग्रह करना, ज़रूरत है तो उसे खरीदो, नहीं है तो भी उसे खरीदो. तो वर्किंग रेगुलरली नहीं इसका मतलब नहीं होता, बींग लेजी ये भी इसका मतलब नहीं होता. गेनिंग थिंग्स इसका मतलब होता है, गेनिंग थिंग्स मतलब चीज़ों को प्राप्त करना एक तरह से. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, गेनिंग द थिंग्स, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज द परचेज इज मेड. पैसेज के अकॉर्डिंग किस चीज़ की परचेज करी जाती है. व्हेन द आर्टिकल इज़ यूजफुल, जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो यूज़फुल हो, नहीं. बिकॉज द आर्टिकल इज़ एसेंशियल, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं. वेदर द आर्टिकल इज़ नीडेड और नॉट, वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी हो या ना हो पर उसकी हमें परचेज करनी है. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, राइट. नेक्स्ट इज पजेसिंग न्यू थिंग्स सेट अ काइंड ऑफ, हर नई चीज़ को खरीदना या कुछ करना ये क्या है, क्या चीज़ सेट करता है. कॉम्पिटिशन अमंग नेबर्स, नेबर्स के अंदर कॉम्पिटिशन सब जो है ये सेट करता है. लव अमंग द नेबर्स, नेबर्स के बीच में लव सेट करता है ये चीज़. हेटेड या इनडिफरेंस या फिर उनके अंदर डिफरेंस, तो ये कॉम्पिटिशंस जो है सेट करता है कि अगर उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे पास है तो उसके पास होनी चाहिए. तो एक तरह से ये कॉम्पिटिशन सेट करता है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. राइटर कंसीडर एक्विजिटिव नेचर टू बी, राइटर एक्विजिटिव नेचर को क्या समझता है, ये है डिप्रेसिंग क्वालिटी है, डिप्रेस्ड कर देती है, ये एक गलत क्वालिटी है, बैड क्वालिटी है या फिर ये गुड क्वालिटी है. तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट ये एक बैड क्वालिटी है, राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पैसेज इट इज़ क्लियर दैट, इस पैसेज को पढ़कर हमें क्या क्लियर होता है कि राइटर को मिक्सचर चाहिए. इट इज कीन ऑन बाइंग द नेचर, वो बहुत ज़्यादा उतारू है मिक्सचर खरीदने के लिए, उसको मिक्सचर नहीं चाहिए या फिर उसको मिक्सचर चाहिए बट डिफरेंट उसमें. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, इट डज नॉट वॉन्ट टू बाई अ मिक्सचर, वो मिक्सचर नहीं खरीदना चाहता है पर उसकी वाइफ को मिक्सचर चाहिए इसलिए वो खरीद रहा है. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टुमारो विल स्टार्ट विद अनदर चैप्टर और वी से अनदर टॉपिक इन द सिलेबस. थैंक यू.